दोस्तों आधार कार्ड तो हर किसी के पास है ही, और इसमें मोबाइल नंबर भी लिंक है, और उसके साथ में हमारा आधार कार्ड बैंक से भी लिंक होता है, जिससे कि हम पैसे कभी भी कहीं भी निकाल सकते हैं अंगूठा लगा के। पर अभी कुछ दिनों पहले NPCI की तरफ से एक सर्विस लॉन्च की गई है, जिसमें कि आप जो है बिना डेबिट कार्ड के अपना UPI बना सकते हैं सिर्फ आधार से। जिस यानी कि अगर आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप वहां से सिर्फ आधार नंबर डाल के UPI बना सकते हैं, और वहां से गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा रिस्क ये हो गया है कि अगर कहीं गलती से हमारा आधार कार्ड और मोबाइल एक साथ खो जाए या किसी के हाथ लग जाए, तो वो आधार कार्ड के माध्यम से जो है UPI बनाकर और हमारे अकाउंट से पैसे गायब कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया है, जितना हमारे लिए अच्छा हुआ है उतना ये रिस्की भी हो गया है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक ट्रिक अगर यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से इस समस्या से बच सकते हैं। भले ही आपका मोबाइल और आधार कार्ड ही कोई क्यों ना ले ले, फिर भी वो पैसे नहीं निकाल पाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। तो बताने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो सिम कार्ड यूज कर रहे हैं उसमें एक लॉक लगा कर रखें। यानी कि सिम कार्ड में अगर लॉक लगा रहेगा तो अगर एक बार कोई भी फ़ोन चोरी करता है तो वो फ़ोन स्विच ऑफ ज़रूर करेगा, और अगर आपके सिम में लॉक लगा रहेगा तो जब वो स्विच ऑन करेगा या फ़ोन से सिम निकाल कर अगर कोई इस तरीके से आपके बैंक से पैसा निकालना चाहेगा तो फ़ोन कहीं ना कहीं दूसरे फ़ोन में या तो सिम कार्ड डालेगा, तो ऐसे में वो फिर उस सिम चालू नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब सिम स्विच ऑन होगी तो उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, पिन डालना पड़ेगा। जब तक वो पिन नहीं डालेंगे तब तक सिम चालू नहीं होगा। तो आइए बताते हैं कि आपको सिम कैसे लॉक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। तो चलिए मैं सेटिंग में चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये मैं फ़ोन की सेटिंग में आता हूँ, ये सेटिंग में आ गया, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सिक्योरिटी का ऑप्शन लिखा हुआ है, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं, सिक्योरिटी में आ गए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है सिम कार्ड लॉक, इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये जो है ऑफ है, इसको ऑन करना है। तो ऑन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉक सिम कार्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे जो सिम में पहले से डिफ़ॉल्ट पिन होता है वो डालना है। तो आपको बता दें कि डिफ़ॉल्ट जो पिन होता है वो अधिकतर सिम का 1 2 3 4 होता है। तो अधिकतर जो भी सिम होती है वो चाहे एयरटेल हो या फिर जियो हो या फिर VI हो, मोस्टली 1 2 3 4 हो ही होता है, 4 अंकों का। तो वो आपको डालना है। तो चलिए मैं डालता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। हालांकि मैंने चेंज कर रखा है तो इसलिए मैंने जो डाल रखा है वही डालना पड़ेगा, लेकिन आप जब पहली बार चालू करेंगे तो उसमें 1 2 3 4 ही डालना पड़ेगा। ये मैंने पिन डाल दिया, देखिए ऑन हो गया है, और उसके नीचे लिखा हुआ है चेंज सिम पिन। तो जैसे अगर आपको जो डिफ़ॉल्ट 1 2 1 2 3 4 है तो सबको मालूम ही है, बट आपको चेंज करना पड़ेगा जब चालू करेंगे। पहले जब इसको ऑन कर लेंगे उसके बाद जो है चेंज सिम पिन पे करेंगे, उसके बाद जो पुराना पिन होगा 1 2 3 4 इसको डालेंगे, फिर नया डालेंगे, उसके बाद चेंज हो जाएगा। पर इसको एक्टिवेट करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान जरूर रखना पड़ेगा आपको, कि इसको जब चालू करेंगे तो इसमें सिर्फ 3 बार ऑप्शन मिलता है। अगर 3 बार आपने गलत डाल दिया तो आपका सिम लॉक हो जाएगा, फिर PUK नंबर डालना पड़ेगा तभी सिम चालू होगा, और उसके लिए फिर कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा, अपनी कुछ बेसिक डिटेल देनी पड़ेगी, तो तब वो PUK नंबर देंगे। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सावधानी से करने की ज़रूरत है, कि कभी भी जब सिम लॉक लगाएंगे आप तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे 1 2 3 4 डाल रहे हैं, अगर नहीं खुल रहा है तो एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए कि इस सिम कार्ड का सिम लॉक पिन क्या है, उसके बाद डालिएगा। हालांकि मोस्टली 1 2 3 4 ही होता है। तो इस तरीके से अगर आप लॉक लगा लेते हैं तो उसके बाद जो है अगर फ़ोन कहीं खो जाता है या किसी के हाथ लगता है, और अगर वो इस तरह करना चाहे कि UPI से, और अगर उसके पास आधार मिल जाए उसको,
तो वो सोचे कि अगर यूपीआई से पैसे निकाल लें तो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि फ़ोन अगर कोई भी पाएगा तो सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करता है, और दूसरी चीज़ की लॉक भी रहेगा तो वो लॉक खोल नहीं पाएगा, और अगर वो सिम को निकाल के दूसरे फ़ोन में डालता है तो उस सिम में लॉक मांगेगा। जब तक पिन नहीं डालेंगे तब तक वो चालू नहीं होगा सिम, और जब तक सिम नहीं चालू होगा तो फिर उस पर कोई ओटीपी आएगा नहीं। तो इसलिए जो है ये सिम लॉक लगाना ज़रूरी होता है आजकल के समय में, खासकर जब हमारे आधार से बैंक भी लिंक है और मोबाइल नंबर भी लिंक होता है और फ़ोन पे यूपीआई और गूगल पे पेटीएम सब कुछ हम लोग चलाते ही हैं। तो इसलिए इन सब की सिक्योरिटी के लिए और अपने बैंक में रखे हुए पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सिम लॉक बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर यूज करिएगा, बस थोड़ा सावधानी के साथ करिएगा कि भूलिएगा मत इसको, वरना आपका सिम लॉक हो सकता है, फिर थोड़ा परेशानी हो सकती है आपको। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।